निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल? भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से मुझे बहुत सारा प्यार सबका मिलता रहा है और मिलता रहेगा, स्पेशली पवन जी का, पवन भैया का, खेसारी लाल जी का। लोग भले कुछ भी कहें कि लोगों को मैं आपस में क्या है क्या नहीं, मैंने तो जब भी देखा है तो लोग अपने अपने गले मिलकर के भाई भाई ही करते रहते हैं, चाहे वो तेज पांडे जी हों, चाहे वो पवन जी हों, चाहे वो खेसारी लाल जी हों। और कुल मिला करके एक भोजपुरी हम लोगों की माता है और उनके हम बच्चे हैं, तो सब लोग एक माँ के बच्चे हैं, तो भाई भाई कितने दिन लड़ सकते हैं। जिस तरह राजनीति में जाति को लेकर राजनीति होती है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बबुआन और अहिरान को लेकर राजनीति हो रही है, इस पर क्या राय है? इसको तो मैं उतना नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि कहूंगी साफ शब्दों में तो लोगों को बड़ा तीखी मिर्ची मेरी बात लगती है, लेकिन बबुआन और अहिरान के छोड़ के भैया एक पंडितान भी हूं मन, जो कि मैं हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं भी कहना चाहूंगी कि देखिए पंडित जी लोग, मैं जैसे रितेश पांडे जी हैं, इतना अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन फिर भी दबाए जाते हैं या कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। और उसमें फिर हमारे अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो ब्राह्मण कलाकारों को भी समर्थन नहीं दिया जाता है। मुझे एक ऐसा आप कलाकार बता दीजिए संजय जी, जो ब्राह्मण होकर के भी आज बहुत आगे हैं, मुझे आप बता दीजिए। निशा पांडे, निशा पांडे को छोड़ दीजिए, रवि निशा किशन, पांडे नहीं, वो मनोज तिवारी, रवि रवि किशन जी भी अपने यहाँ से, उन्होंने अपने कैपेबिलिटी पे किया है। अगर आज वो साउथ वगैरह में जा करके अच्छे काम हिंदी वगैरह में ना करते तो मुझे नहीं लगता कि उनको भोजपुरी में लोग खड़ा करते। आज उनके लोग पैर छूते हैं और माननीय उपस्थित वो लोग हम लोगों को वो है, धरोहर आइडल है। है, वो लोग आइडल है हम लोगों के, वो आइडल हैं। इनसे इन लोगों को सीखना चाहिए, जो अभी के लोग आपस में जात बिरादरी करते हैं। अब जैसे हमने देखा था, मैं बहुत छोटी थी, एक बार मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि चांदीवली में स्टूडियो में मैं गई थी, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें तीन हीरो एक साथ काम कर रहे थे, जिसमें दिनेश लाल चाचा जी थे, निरहुआ जी थे, और पवन जी थे, और मनोज तिवारी जी थे। मैंने देखा है रवि जी भी थे, मतलब मैंने देखा है कि पहले के लोग तीन तीन हीरो के साथ काम करते थे, मतलब तीनों हीरो बहुत खुशी से काम करते थे और शूटिंग पूरी कंप्लीट हो जाती थी। बाद में वो लोगों में क्या होता था मुझे नहीं पता, लेकिन फिल्में बड़ी अच्छी अच्छी बनती थी। आज के डेट में भैया फलाना हीरो रही तो हम ना करब, भैया ढिकाना हीरो रही तो ना करब, हाउ हीरोइन हमके चाहिए, ये सब चीज पता नहीं कब से आ गया है, मैं समझ नहीं पाती हूँ ये चीज को। आपने कभी फिल्मों के लिए ट्राई किया है? मैंने तो कई फिल्में किया भी है जैसे कौन कौन सी है? जिसमें मुझे ऐसा वैसा कुछ ना करना पड़े, ऐसी फिल्में हमने की हैं। तो ज्यादातर आप गाने में ही लगी रहती है, अपने म्यूजिक में। मैंने फिल्म अभी लेटेस्ट मेरा आने वाला है डोली, जो अक्षरा जी के साथ किया है मैंने, और अक्षरा जी और रितेश पांडे उसमें हीरो हैं और मैं भी हूँ उसमें। डोली आने वाली है, और उसके बाद बेटी कहे पुकार के एक बहुत अच्छा मैसेज वाला है, वो मैंने फिल्म किया हुआ है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। पवन भैया की एज एन गर्लफ्रेंड मैंने पवन राजा फिल्म की है। अक्षरा जी के साथ काम कर कैसा लगा? वो भी सिंगर, अच्छे गाने गा रही है मार्केट में। अक्षरा जी तो बहुत अच्छा गाना गा रही हैं, और मुझे लगता है जो वो अपना अच्छा काम कर लेती हैं। देखिए मुद्दा क्या होना चाहिए कि ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, मेरा काम बन रहा है, मैं अपनी शूटिंग में व्यस्त हूँ, तो वैसा अपना माइंड वो सेट करके चलते हैं। और मुझे लगता है कि अक्षरा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिग बॉस में कैसा था उनका एक्टिविटी? भोजपुरी के लिए लड़ी हैं, भोजपुरी को सम्मान दिलाने की बात की है, बाकी उनके पर्सनल जीवन में क्या है मुझे उससे क्या लेना देना। आप लड़ाई झगड़े में कितना विश्वास करती हैं? लड़ाई झगड़े में मैं ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि मजबूर हो जाते हैं जब हम लोग, तो छोड़ते नहीं है, मतलब जो छुएगा उसे। जो छेड़ेगा वो मार खाएगा, सिंपल सी चीज है। देखिए आप छेड़ो मत ना, अगर आप शेर हैं वो बैठा है शांति से, जबरदस्ती जाके उसकी मूंछ खींचोगे तो क्या होगा, गुर्राएगा नहीं ना, डायरेक्ट अटैक करेगा। तो मेरी मूंछों को खींचा जाता है एक तरीके से, तो मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मुझे मतलब अपनी मूंछ को बचाना होता है, कि बाल उखड़ेगा तो दर्द होगा, यहाँ फुंसी हो जाएगी या पिंपल्स हो जाएंगे, तो उसको बचाने के लिए मुझे रिएक्ट करना पड़ता है। खेसारी जी के बारे में क्या कुछ करना चाहेंगी? खेसारी जी के लिए मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगी, और खेसारी जी के लिए ही नहीं, मैं इंडस्ट्री में तीन लोगों को, अभी का जो बोलते हैं अभी के जनरेशन में सबसे ज्यादा जो वायरल होते हैं, जो ट्रेंडिंग होते हैं, वो है निरहुआ जी। निरहुआ जी की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, पारिवारिक फिल्में बनाते हैं और बहुत ही अच्छी उनकी एक्टिंग और फिल्में लगती हैं, स्टोरी लगती हैं, शूट लगता है। वैसे ही पवन भैया की मुझे आवाज़ बहुत पसंद है,
मैं एक्टिंग के लिए नहीं कहूंगी, लोग उनके भी दीवाने हैं, लेकिन मुझे पर्सनली उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। आवाज़ मुझे लगता है कि वो सरस्वती का गॉड गिफ्टेड है, ऐसे ही खेसारी जी का ना। मुझे उनकी कॉमेडी, फिल्मों में कॉमेडी और उनकी परफॉर्मेंस एज एन ऑन स्टेज, मैंने उनके साथ करीबन मुझे लगता है मुंबई में टिकट शो लेकर के या बाहर के शोज लेकर के मैंने 500 शो किया होगा। 500 शो में मैंने जो पसीना उनका बहता है ना, यहाँ से पसीना, और शर्ट पूरा गीला हो जाता है, लिटरली आप उनके शर्ट को देख सकते हो कि वो परफॉर्मर हैं। तो मुझे तीनों जन तीन कैटेगरी में अच्छे लगते हैं। अब आप ये कहिए कि अमिताभ बच्चन जी अच्छे सब कुछ हो सकते हैं, तो वैसा तो कोई इंसान धरती पे है नहीं। लेटेस्ट क्या नए प्रोजेक्ट है आपके? लेटेस्ट नए प्रोजेक्ट्स में मैंने अभी एक रिसेंटली बहुत अच्छा प्यारा हिंदी गाना अभी 2 दिन पहले मेरा आया है, और मेरे कंटिन्यू हिंदी सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है, लोगों ने मुझे हिंदी में भी डाइजेस्ट किया। जैसे कौन सा गाना अंतरा सुनाइए? मुखड़ा मुखड़ा बहुत प्यारा सा है। तुम मिले दिल खिले आशियाना बन गया, जिंदगी का नया एक फसाना बन गया था, बोए थे जो सपने आँखों ने मेरे, आंसुओं की बारिशें उनको धो रही है, हो यारा परे भी, हो यारा परे भी, हो यारा परे भी। तो हिंदी में मेरे अभी बहुत सारे गाने आ चुके, लगभग मैंने 30 गाने रिलीज कर चुकी हूँ। दर्शकों कुछ कहना चाहती है अपनी तरफ से? दर्शकों को मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे अब तक 10 साल से, मतलब 2010 से मैंने इंडस्ट्री में अपनी कदम रखी है, बिना किसी के सिर पैर और बिना किसी के सपोर्ट के मैं आज 2022 चल रहा है, 12 साल 11 साल मेरा इंडस्ट्री में जो जर्नी है, सिर्फ आप दर्शकों की वजह से है। वरना अगर किसी के सपोर्ट से आई होती तो आज तक कप का निकाल के फेंक दिया गया होता। तो ऐसे ही आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे बनाए रहिए, और बिना किसी सपोर्ट के मेरे फैन पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे या ट्विटर पे या किसी भी अकाउंट पे आप लोग इतना ज़्यादा शेयर और सपोर्ट करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।